हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी कक्षा 8वीं की लेसन 8, जिसमें द मून, यह है चंद्रमा, मून यानी चंद्रमा, यह है चंद्रमा के विषय में कुछ आंसर क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम लेसन 8 द मून, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन आर टू वर्ड्स, एक दिए गए प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम द मून। तो इस पोयम द मून के जो पोयम में जो शब्द आए हैं सन और फैट, इनके मिलते जुलते शब्द आप जो है यहाँ पर लिखें। तो हम देखेंगे सुन तो नून हो जाएगा, फैट है तो कैट हो जाएगा, इस प्रकार मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द को लिखें। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। बच्चों, हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोयम द मून। इसमें पूछा गया है कि द मून, यह चंद्रमा, यह पोयम जो है इसके लेखक कौन है, लिखने वाले कौन है। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आर एल स्टीवसन, स्टीवसन जो है इसके लेखक हैं। आर एल स्टीवसन जो है इस पोयम के लेखक हैं, ये हम लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज़ द माउस डूइंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द माउस इज स्क्वीजिंग, यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन थ्री सेंटेंस, दिए गए प्रश्न का उत्तर एक से तीन वाक्यों में लिखें। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर चार है, राइट द नेम ऑफ द फोर एनिमल्स मेंटिनॉइड इन द पोयम द मून। तो फोर, इस पोयम में जो चार जानवरों के नाम आए हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैट, माउस, डॉग, वेट, इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे, व्हाट डू द ब्रीड बर्ड्स ईट डू व्हेन द मून शाइन्स, यहाँ पर लिख देंगे आंसर हम, व्हेन द माउस शाइन्स बर्ड्स अस्लीप इन द ब्रोक फोर्क्स ऑफ द ट्रीज। इसके बाद लिख देंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोयम द मून विच यू लाइक। तो आप किस तरह लिखेंगे, देखें, द मून हैज़ ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल सी साइंस ऑन दिस वेस ऑन द गार्डन बेल, इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थर्ड, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 से 7 सेंटेंस, दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। अब क्या लिखेंगे, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, रीड द नेम ऑफ द एनिमल्स एंड राइट द साउंड दिस एनिमल्स मेक। मिलते जुलते इनमें यहाँ पर दिया हुआ है एलिफेंट, कैट, लायन, डॉग, हॉर्स, बीफ और डंकी, इनके ये जानवर हैं, इनके साउंड किस प्रकार से है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे एलिफेंट, कैट, लायन, डॉग, हॉर्स, बी और डंकी, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद में जैसे हम एलिफेंट आने हाथी, हाथी की जो आवाज़ होती है रोयर, रोयर इस प्रकार से आवाज़ होती है। कैट, कैट की, बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ कैसी है, म्यांग, म्यू, म्यू म्यू की आवाज़ आती है। फिर लायन आने शेर,
शेर की आवाज़ होती जो है ग्रोवल, ग्रोवल यानी गरजना, गुस्सा करना, इस प्रकार की आवाज़ आती है। डॉग, कुत्ते की आवाज़ कैसी होती है, ब्राक, भौंकने की आवाज़ आती है। फिर हॉर्स, घोड़ा की निकर, ये इसकी जो है नरम ध्वनि होती है धीरे धीरे। इसके बाद में बी यानी मधुमक्खी की आवाज़ कहती है, भौं भौं हम, ऐसी आवाज़ आती है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। डंकी, डंकी बंदर की जो है ब्रॉक, बंदर की आवाज़ कैसी आती है, इस प्रकार से हम इसको मिलते जो है बंदरों की आवाज़ के विषय में साउंड कैसे आते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम असाइनमेंट शीट 4, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 वर्ड्स, दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। अब क्या करना है हमको, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पिक द ओड बर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। हमको यहाँ जो बर्ड दिए गए हैं इनसे अलग बर्ड, एक से ध्वनि वाले नहीं, अलग मिलते जुलते बर्ड जो है एक तरफ रहेंगे, और जो इनसे मिलता नहीं है उसको अलग छांट कर हम इस बॉक्स में लिखेंगे। जैसे सन, स्टार, मून, सन यानी सूर्य, स्टार यानी तारा, और मून यानी चंद्रमा, ये सारे एक से बर्ड्स हैं, और ट्री यानी पेड़, तो ये जो है इससे मिलता जुलता नहीं, ये अलग बर्ड्स हैं, तो यहाँ पर हम ट्री लिख देंगे। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-3 सेंटेंस, दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, वेयर डोज द मून साइंस, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे द मून साइंस इन द स्काई, स्काई यानी आकाश, तो इस प्रकार से हम इसके आंसर के लिख देंगे। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5-7 सेंटेंस, दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। तो अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन राइट। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि सन एंड द मून आर टू प्रोमिनेंट सेलिटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर सोलर सिस्टम, ऑटो अर्थराइट बूथ आर सेलेस्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स दे आर डिफरेंस फ्रॉम इच अदर इन द ऑफ दियर स्पेस साइड एंड इफेक्ट ऑन द अर्थ एंड सोलर सिस्टम। तो इस प्रकार से हम इसके आंसरों को लिख देंगे। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।